धन्यवाद प्रस्ताव पर मौका देने के लिए। अध्यक्ष जी, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से ये देश चलता है तो बाबा साहब के संविधान से। और अध्यक्ष जी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर एक नाटक की शुरुआत दिल्ली के अंदर दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 25 फरवरी से की गई थी, जिसमें लगभग 25 तारीख से लेकर उसकी शुरुआत 12 फरवरी तक थी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया और लोगों के प्रति उत्सुकता को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उसका समय बाद में बढ़ा दिया, 24 मार्च कर दिया। और वो शानदार नाटक जो दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जिसकी शुरुआत की, वो नाटक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा स्टेज शो था। इसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देता हूँ। उसके अंदर एक मशहूर अभिनेता रोहित रॉय जी ने, उसके अंदर उनका कलाकार थे, और उसके अंदर लगभग 100 फीट बड़ा स्टेज, 40 फीट बड़ा रिवॉल्विंग स्टेज बनाया गया। और पूरे सदन को जानकर ये खुशी होगी कि 1,00,000 लोगों ने उस नाटक को देखने का काम किया। तो अध्यक्ष जी, मैं पूरे दिल्ली की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और एक बात के लिए, एक बहुत बड़ी बात के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि दिल्ली के सभी कार्यालयों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर लगाई जाएगी। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन यापन किया और पूरे देश को देने का काम किया, पूरा देश आज जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से इस देश के लिए अपना पूरा संविधान देकर और पूरा सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री जनरल सिंह जी, रोजगार बजट की ऐतिहासिक चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था, कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करता हो। तो एक ऐसा बजट जो शहीद आजम भगत सिंह जी के सपनों को सच कर रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को सच कर रहा है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो देश की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो दिन रात मेहनत करके इस बजट को इस सदन तक लाए, सबसे पहले मैं उनको इस शानदार बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं दिल्ली कितने चुनौतियों भरे समय से गुजर रही है, जहाँ देश की सत्ता के शिखर पर बैठे बड़े बड़े नेता हर दिन ये प्रयास करते रहते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार को कमजोर किया जाए, किस तरीके से इनके काम होने से रोके जाएं। उस चुनौती भरे माहौल में जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब ये बजट पेश कर रहे थे, तो एक बार मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था कि हर पेज में कुछ ना कुछ दिल्ली वालों के लिए, उनके सपनों को सच करने के लिए बोली जा रहे थे, और दूसरी तरफ जो भाजपा के नेता बैठे थे उनके चेहरों के जो रंग उड़े हुए थे मैं वो देख रहा था। वो देखकर मेरे को फहीम जोगापुरी साहब की एक लाइन आ गई जिसमें वो कहते हैं, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अध्यक्ष जी, हर मुमकिन कोशिश इस सरकार को कमजोर करने के लिए की जाती है, पर कहते कि नीयत साफ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एक खास चीज, क्योंकि हम सब तो बहुत खुश होते हैं जिस दिन बजट पेश होता है, सबके लिए खास दिन होता है, पर एक आदमी के लिए ये दिन ऐसा होता है जिन पर मेरे को बहुत तरस आता है। जो आदमी पूरा दिन, पूरा साल के अंदर सरकार के इशारों पर दिल्ली सरकार के काम रोकते हैं, कई साथियों को ध्यान भी होगा
जिन्होंने पिछली सरकार में कैमरे लगने से रोक दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, जैन साहब को कई दिन तक उनके ड्राइंग रूम में जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तो जाकर कैमरे की फाइल साइन हुई थी। जब वही शख्स यहाँ पर आकर भाषण देते हैं और वो सारे काम जो उन्होंने रोके थे उन सबको मेरी सरकार की उपलब्धियां कह के, मेरी सरकार कह के गिनवाते हैं, तो उनके ऊपर मेरे को बहुत तरस आता है। अध्यक्ष जी, तीसरे साल की शुरुआत में ये जो शानदार रोजगार बजट पेश किया गया, 50 पेज का ये बजट है, ये बिल्कुल तीसरे ओवर की शुरुआत में हाफ सेंचुरी मारने जैसा एहसास करा रहा है। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र का विकास, जिसकी दुनिया में पूरी तारीफ हो रही है, जिस तरीके से पानी दिल्ली वालों को 24 घंटे निशुल्क मिल रहा है, जिस तरीके से बिजली निशुल्क मिल रही है, लगभग 75% दिल्ली के परिवारों को, गली गली CCTV वाईफाई कैमरे लगे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, लाखों युवाओं को रोजगार देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। इसके पहले भी अध्यक्ष जी लगातार 8वां ये बजट आया है, कभी जीरो टैक्स वाला बजट देकर, कभी एजुकेशन बजट देकर, कभी हेल्थ बजट देकर, कभी ग्रीन बजट देकर, पिछले साल देशभक्ति वाला बजट देकर, और इस साल ये रोजगार बजट देकर सरकार आम लोगों की सभी जरूरतों पर काम कर रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार बहुत बहुत बधाई की पात्र है। अध्यक्ष जी, किस तरीके से 30,000 करोड़ से 75,800 करोड़ पर ये बजट आया है, तो विरोधियों के लिए ये चिंता का कारण बन गया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर दो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं कि जो काम दिल्ली की सरकार कर रही है, तो हर देश का नागरिक ये चाह रहा है कि हमारी स्टेट के अंदर भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जैसी सरकार होनी चाहिए, जो असल में हमारे मुद्दों के ऊपर काम करे। सरकार का काम होता है डेवलपमेंट करना, तो जिस तरीके से चुनाव से घबरा रहे हैं, हमने देखा पिछले दिनों में कैसे MCD चुनाव को टाला गया, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से चंडीगढ़ में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसकी धज्जियां उड़ा के आए हैं, और वहां पर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जगह सेंट्रल सिविल सर्विसेज का वहां पर चलन पैदा करके आए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। अध्यक्ष जी, मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां बहुत बड़ा रिटेल बाजार है, तिलक नगर मार्केट दिल्ली की मशहूर मार्केट है। जब से उप मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली के बजट में रिटेल मार्केट का रेनोवेशन और उसमें इनोवेशन की बात की है, तो मेरे को लगातार बधाई के मैसेज आ रहे हैं, मेरे को लगातार धन्यवाद के मैसेज आ रहे हैं। तो मैं पूरे तिलक नगर बाजार के व्यापारियों की तरफ से, क्योंकि 250 करोड़ रुपये बजट में सर इस काम के लिए रखा गया है जो रिटेल मार्केट्स हैं उनके रेनोवेशन के लिए, तो पूरे तिलक नगर बाजार के व्यापारियों की तरफ से उप मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी की किस तरीके से जो बड़े बड़े ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्होंने जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके काम को नुकसान पहुँचाया है, तो दिल्ली की सरकार ने जो उनके बारे में सोचा है कि दिल्ली की सरकार गो लोकल्स करके अपना वेब पोर्टल डेवलप करेगी और हर दुकानदार को ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करेगी, उनका सामान पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी, इसके लिए मैं भी दिल्ली सरकार का उन सभी व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। फिल्म पॉलिसी को लेकर बहुत उसकी तारीफ हो रही है, बहुत सारे प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी से ये पॉलिसी लागू हो और दिल्ली में भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो। और 54 नंबर पर अध्यक्ष जी, जिन आकर्षक व्यंजनों की बात मनीष सिसोदिया जी ने अपनी बात में कही कि दिल्ली के आकर्षक व्यंजन जिसमें पराठे, चाट, छोले भटूरे, पकोड़े, गोलगप्पों तक का जिक्र किया, जिसके लिए पश्चिमी दिल्ली बहुत मशहूर है, और इसके लिए उन्होंने बजट में प्रोविजन भी रखा है कि इसके लिए इनके लिए फूड हब्स डेवलप किए जाएंगे, तो मैं निवेदन डिप्टी CM साहब से भी करूंगा कि जो इसका प्रथम चरण हो उसमें तिलक नगर मार्केट को भी कंसीडर किया जाए। 59 नंबर पॉइंट पर नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो थे उनको डेवलप करने की बात की गई है, तो मेरी विधानसभा में विष्णु गार्डन क्षेत्र में बहुत बड़ा नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया आता है, वहाँ के सभी जो उद्योगपति हैं उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का। साथ ही अध्यक्ष जी, जहाँ जहाँ से वोट आते हैं उनकी डेवलपमेंट की बात तो सब करते हैं, हमारी एक ऐसी इकलौती सरकार है जिससे
जो इस बजट के बीच में एक नया प्रोविजन आया है, अपनी सरकार को सलाम करने का दिल करता है बार बार कि बेघर बच्चे जो सड़कों पर सोते हैं, जिनका कोई नहीं होता, सड़कों के किनारे सोते हैं, खाने पीने से लेकर उनके रहने से लेकर और उनकी शिक्षा तक का प्रबंध सरकार ने इस बजट के अंदर किया, जो कि काफ़ी बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी की गरीबी दूर करनी है तो उसको शिक्षित कर दो, उसकी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इन सारे पहलुओं के ऊपर सरकार काम कर रही है, सरकार बहुत बधाई की पात्र है। अध्यक्ष जी, अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नजफगढ़ ड्रेन जो मच्छरों के लिए और अपनी गंदगी के लिए जानी जाती थी, उस नजफगढ़ ड्रेन को, उसकी डेवलपमेंट का काम, उसको एक पर्यटक स्थल बनाने का जो प्रोविजन इस बजट में रखा गया है और उसको वापस साहिबी नदी बनाने का जो प्रोजेक्ट रखा गया है, अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा के काफ़ी बड़े एरिया के बीच में से नजफगढ़ ड्रेन जाती है, तो मेरी विधानसभा के लोग बहुत इस चीज़ से खुश हैं और काफ़ी लगभग आधी दिल्ली में से नजफगढ़ ड्रेन गुजरती है, तो सब लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि वापस उसको एक साफ़ सुथरी नदी बनाया जाएगा और वहाँ पर लोग आकर घूम सकेंगे, साफ़ सुथरा वहाँ पर माहौल होगा, इसको लेकर लोग खुश हैं और अपनी सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। अंत में अध्यक्ष जी, एक शेर के साथ हमारे वित्त मंत्री साहब ने अपनी बजट स्पीच को ख़त्म किया था, जिसकी आखिरी लाइन थी, थक कर बैठ ना जाना भाई, मंजिल दूर नहीं। तो जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, मैं भी ये लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वो दुनिया को बदलते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने ऐतिहासिक बजट पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब बचपन से हम लोग सुनते हैं कि सरकार बजट लेके आ रही है, सेंटर की गवर्नमेंट भी लाती है, अलग अलग स्टेट्स की लेके आती है, जब कभी भी सेंटर का कोई गवर्नमेंट का बजट पेश होता है, कोई भी बात बस एक बात तक सीमित रहती है, इनकम टैक्स में क्या छूट मिल जाएगी। इससे ज़्यादा एक आम आदमी कुछ नहीं सोचता, मिडिल क्लास की बात हो रही है। और इसके अलावा बड़े उद्योगपति जरूर देखते हैं कि पॉलिसीज क्या बनी, उनको उससे क्या फायदे होते हैं। इनफैक्ट जो आजकल के हालात है, उनमें से कहा जाता है कि बड़े उद्योगपति ही उन पॉलिसीज को बनाते हैं कि बजट में उनको कैसे फायदा हो। लेकिन पूरी हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार ऐसी है जो जब बजट बनाती है तो इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि आम आदमी की बचत कैसे हो, उसके वो चार पैसे कैसे बच जाए। दरअसल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर हमारे विपक्ष के साथी पूछते हैं, हम फ्री बहुत देते हैं। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि आजकल उन्हीं पॉलिसीज़ को ये खुद अपने अपने स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे हमारी बिजली, हमने 200 कहा था, उन्हें 300 कह दिया कहीं। लेकिन जो एक सच्चाई है वो ये है कि हमारी जो नीयत है उसको फी देने के पीछे, वो वोट बैंक की राजनीति से बहुत अलग है। जब हम ये देख रहे हैं कि लगातार लोगों की आमदनी कम हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, कभी नोटबंदी के जरिए, कभी बे इंतहा GST के दरों को बढ़ाने के जरिए, कभी पेट्रोल डीजल के रेटों को लगातार बढ़ाने के जरिए, जब इंटरनेशनल बहुत कम हो क्रूड का प्राइस, तब भी एक आम आदमी परेशान है तो कुछ पैसे उसके बच जाए वैसे सोचता है, कैसे बचे, ये तो रोज नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि उसको बर्बाद कैसे करा जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, और जिसके वित्त मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं, वो बस ये सोचते हैं कि बचे कैसे। अब आप देखिए कि अभी एक महीने पहले खबर आई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर दिल्ली नंबर वन पे आ गया है, आज हम नंबर वन है, पहले बेंगलोर हुआ करता था। ये कैसे हुआ? दरअसल कोई भी सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल सकती है, लेकिन सरकार एक माहौल बना सकती है जहां पर लोग छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए और वहां पर काम करें, 5 लोगों को 10 लोगों को 20 लोगों को रोजगार दें। ये बेस्ट सोल्यूशन है रोजगारों को उत्पन्न करने का, लोगों के बजट को ठीक करने का। अब दिल्ली में कैसे करा गया भाई? हमने बहुत आसान तरीके से उनको लोन दिए, बिना कोलेट्रल रखे लोन दिए, हमने 24 आवर्स बिजली दी, क्योंकि बिना बिजली के इस वक्त कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। हमने सिर्फ इन्वर्टर के उद्योग को जरूर बर्बाद कराया, सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर है,
इन्होंने दो चार उद्योग बर्बाद करे, जिनमें से एक ये भी है। दिल्ली में इन्वर्टर लगते नहीं है ना घरों में, आप जाके देख लीजिए, पहले लोग सबसे पहले वही लगाते थे। तो हमने सबसे ज्यादा लघु उद्योगों पर ध्यान दिया, और आज हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली नंबर वन पे है स्टार्टअप्स के अंदर। इसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष जी को बहुत बधाई देता हूँ जो उन्होंने इतना एक शानदार काम करा। थोड़ा सा मैं अब इस पर थोड़ा स्पेसिफिक हेल्थ के ऊपर बोलना चाहता हूँ, समय कम है मैं जानता हूँ। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, मैं ज़्यादा आंकड़ों की बात नहीं करता। मोहल्ला क्लिनिक आपने देखे, आपकी विधानसभा में भी है, हमारी में भी है, विपक्ष के साथियों के यहाँ भी है, पॉलीक्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और फिलहाल जो कोविड के अंदर जो माहौल था, कितना भयावह था, आप जानते हैं, आपसे हमारी चर्चाएं होती रही कितनी मुश्किल थी। लेकिन जो दिल्ली के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स थे, दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज के जो एरिया थे, गाजियाबाद, यहाँ तक कि मेरठ जैसे दूर थे, या रोहतक से लोग दिल्ली आ रहे थे इलाज कराने के लिए, वहाँ बेड नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन वो यहाँ आ रहे थे। सरकारी तो वहाँ बिल्कुल नहीं थे, तो वो यहाँ आ रहे थे। लेकिन हमारी जो व्यवस्था थी, हमने बेड्स बढ़ाए, हमने ऑक्सीजन दिया, हमने लोगों को राशन घरों में पहुँचा दिया, हमने इस बात का ध्यान रखा कि कोई आदमी दवाई या खाने की वजह से मर ना जाए, बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया। और मजेदार बात देखिए, इतनी बड़ा सिस्टम चलाने के बावजूद कोई इल्ज़ाम नहीं था सरकार पे कि डायरेक्ट पैसे अकाउंट्स में डाले, ये नहीं है कि किसी से बीच में कोई दलाली दे दी कि भाई वो कहते हैं 100 रुपया दिया तो 1 रुपया पहुँचा, वाला काम नहीं था, पूरा का पूरा डायरेक्ट उस गरीब आदमी को मिला जिसको उसकी ज़रूरत थी। मैं इन मोहल्ला क्लिनिक्स पर, जो माननीय मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि जो हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, उसमें दो बातों का मेन ध्यान रखा कि जो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, एकदम से जो गरीब हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह बनती है अगर घर में कोई बीमार हो जाए। आज दवाइयाँ डॉक्टर से परामर्श करना बहुत महंगा हो गया है, और उसके लिए जो सबसे पहला ध्यान दिया गया वो था मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है सबसे बड़ी तकलीफ वहीं पे है, दूर जाना पड़ता है। अगर कोई हरियाणा में बीमार हो जाए, अगर कोई पंजाब में बीमार हो जाता था, अब तो हमारी सरकार है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले ये होता था कि उसको सीधे चंडीगढ़ PGI से नीचे कोई हॉस्पिटल ही नहीं मिलता था, और उसमें आने में जाने में वो बर्बाद हो जाता था। तो वो मोहल्ला क्लिनिक्स प्राइमरी जो सेंटर था उसको बनाया, उसके ऊपर सेकेंडरी जो है वो पॉलीक्लिनिक्स को रखा, और उसके ऊपर भी अगर भगवान ने करे जरूरत पड़े तो हमें हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ी, और उसको भी माननीय सत्येंद्र जी बैठे हैं जो लगातार इसके अंदर 12-13%, पिछली बार 16% था बजट हेल्थ के अंदर लगाए जा रहे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो तो आप खुद देख लीजिए, मुझे नहीं लगता उनका 2% भी बजट उसके अंदर है। और इसको अगर आप रोजगार से जोड़ें, तो जब हॉस्पिटल्स नहीं बनते हैं तो उन्हें बनाने के लिए भी लेबर की ज़रूरत होती है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, रोजगार बनते हैं, और उसके बनने के बाद चलाने के लिए भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियंस की ज़रूरत है, NOs की ज़रूरत है। कितने रोजगार उत्पन्न करे हमने उन मोहल्ला क्लिनिक से, पॉली क्लिनिक से, और आगे भी लगातार जो हमारी सोच है वो इसी बात के ऊपर है कि हम कितने तरीके से इन चीज़ों को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा आखिरी बात कहनी है वो यही है कि जब हम बजट को पेश करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि आप ज़रूर देखिएगा, अगली बार मैं विपक्ष के साथियों से चाहूँगा वो अगली बार देख लें, या अभी भी कोई वीडियो तो आप देखिएगा, कि जब सेंटर से कभी भी बजट पेश होता है तो लोगों के चेहरे पे भी शिकन होती है, जो पेश कर रहे होते हैं उनके चेहरे पे भी शिकन होती है। लेकिन जब माननीय मनीष जी कभी भी बजट को पेश करते हैं तो आप भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जनता भी मुस्कुरा रही होती है, हम भी मुस्कुरा रहे होते हैं। तो आप सब मुस्कुराइए, ये बजट हम अगले 20-30 साल दिल्ली में ऐसे पेश करने वाले हैं, भगवान ने चाहा तो सेंटर में भी बहुत जल्दी पेश करेंगे, आपको यहाँ आईपैड दे रहे हैं, वहाँ कोई और अच्छी चीज़ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राखी बिल्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मुझसे पूर्व कल से लगातार सदन के सभी साथी इस बार के ऐतिहासिक बजट पर अपना विषय रख रहे हैं, अपनी जानकारी रख रहे हैं, और अपने शब्दों से जिससे भी जैसा हो रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों को केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में जितना सराहा जा सके सराह रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूँ उससे पहले मैं दिल्ली सरकार के बारे में चंद शब्द कहना चाहती हूँ कि दिल्ली को आपने नई पहचान दिला दी, दिल्ली को आपने नई पहचान दिला दी, कच्ची कॉलोनियों की सड़क को शहर से मिला दी। मुख्यमंत्री हो तो केजरीवाल जी जैसा हो, जिन्होंने बंजर पड़ी दिल्ली में विकास की फसल को दोबारा उगा दिया,
जिन्होंने दिल्ली में बंजर पड़ी हुई विकास की फसल को दोबारा उगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछले 7 सालों से दिल्ली में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये कार्य जिन्होंने सफलतापूर्वक एक आयाम को छुआ है, ना सिर्फ देश में, ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में, बल्कि पूरी दिल्ली दुनिया के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हो रही है। दिल्ली देश का एक ऐसा राज्य जो देश की राजधानी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र में बैठी हुई सरकार की आंखों की बहुत बड़ी किरकिरी भी है। लगातार केंद्र सरकार की आंखों में दिल्ली की जो सरकार है, जिस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चल रही है, वो लगातार उनकी आंखों में रड़कती रहती है, चुभती रहती है। एक ऐसी चुभन जो केंद्र की सरकार को ना दिन में चैन लेने देती है, ना रात में चैन लेने देती है। दिल्ली के सरकार जिसके नेतृत्व में चल रही है, उस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से इस देश के, इस दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री को कितनी घबराहट और कितना डर है। पिछले 20 दिन से लगातार अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के वक्तव्य के माध्यम से हम सबके सामने है, और उनकी ये घबराहट, उनका ये डर ऐसा नहीं कि आज अचानक से MCD चुनाव रुकवाने के लिए हुआ। ये आप देखिए, साल 2015 से लगातार केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार का डर, घबराहट, दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा डालना, रुकावट पैदा करना, आए दिन उनके इन कदमों से लगातार हमारे सामने आ रहा है। कभी ये हमारे मंत्रियों के घर पर रेड पड़वाते हैं, कभी ये बैक डोर से एक राजपत्र जो है निकालते हैं और उसमें एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों के ऊपर कैसे कैची चलाते हुए LG नुमा बॉस बिठाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए इस मंशा की पूर्ति के लिए मनचाहे अफसर जो उनके हिसाब से काम करें, ऐसे अफसरों की तैनाती की जाती है। इसके पीछे लक्ष्य क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? लक्ष्य और मंशा बिल्कुल साफ रहती है कि कैसे दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, कैसे दिल्ली सरकार की जनहित की जो नीतियां हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जाए, कैसे लोगों को गुमराह कर उनके खिलाफ जो है लोगों को भटकाने और लोगों के दिमाग और माइंड वॉश को जो है करने का काम किया जाए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल वो दरिया है जहाँ से निकलता है अपना रास्ता खुद बना लेता है, और ये बात साबित होती है इस बात से कि जब 2015 के अंदर केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपना बजट पेश किया था, तो महज 31,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। लेकिन आज लगभग 7 साल के बाद 2.5 गुना से भी ज्यादा बजट पेश कर केजरीवाल सरकार ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि नीयत साफ है, इरादे नेक है, तो आपका भ्रष्टाचार, आपके षड्यंत्र, आपकी साजिशें, आपकी जासूसी सबको नेस्तनाबूद करते हुए जनहित के कामों में लगातार प्रगति की जाएगी, और लगातार जनहित के कामों में प्रथम पंक्ति में आकर लोगों को सफलतापूर्वक नई नई पॉलिसी दी जाएगी। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने महज आधे दशक में, महज 5 साल के अंदर अपनी GDP को 50% से ऊपर लाकर रख दिया है। ये दिन रात की कड़ी मेहनत केजरीवाल सरकार की कैबिनेट, उनके चुने हुए मंत्री, उनके मेहनत कश, एक एक विधायक, एक एक संस्था का परिणाम है जो आज दिल्ली का डंका देश के अलग अलग राज्यों में बगाए बगाए मजबूरन नाम बदल बदल कर ये पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर बार ये कहते हैं, हम राजनीति करने नहीं, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज अलग अलग राज्यों में, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे हमारा शिक्षा का मॉडल हो, चाहे हमारे अन्य मॉडल हो, उनको अडॉप्ट कर सरकारें उन पर काम करने के लिए मजबूर है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बजट पर,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने लगातार अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से इस दिल्ली के लोगों को एक सपना साकार करने की पहल की ओर अग्रसर किया है। अध्यक्ष जी, ये भारतवर्ष देश का सब जो है सबसे दुनिया का युवा देश है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अधिकतम जो आबादी है वो युवाओं की है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश का युवा खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आजादी के 75 सालों के बाद भी बारी बारी भाजपा कांग्रेस लगातार लोगों को चुना, लेकिन लोगों ने, इन राजनीतिक दलों ने हर बार इन युवाओं के वोट का उपयोग तो किया, इन लोगों को सुनहरे सुखद सपने तो दिखाए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम कभी भी इन सरकारों ने नहीं करा। अध्यक्ष जी, ये अखबार है, ये अखबार 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, इस हेडलाइन के साथ छपा है। अमूमन इस तरह की हेडलाइंस हम कब देखते हैं? जब देश के अंदर चुनाव हो रहा होता है, जब राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा होता है, युवाओं के वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह से हम लोगों ने सुने, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं और बधाई देना चाहती पूरे सदन को कि देश के इतिहास में आजादी के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बजट को नाम देती है रोजगार बजट। ऐसा बजट जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपने को साकार करने की एक पहल है। अभी बहुत काबिल साथी इस सदन में कह रहे थे कि ये बजट बेकार है, इस बजट के अंदर गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्यों? क्योंकि आजादी के 75 सालों से लेकर आज तक सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीबों को देने के लिए मुफ्त 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होता, सिर्फ राशन गरीब को मुफ्त में मिल जाए उनके लिए ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्हें राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं, और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को शीर्ण भिन्न करने की मानसिकता है, जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर पाए, तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये केजरीवाल सरकार का मॉडल है। केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, गरीबों को अच्छा पेयजल देंगे, गरीबों को अच्छा माहौल देंगे, और बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला जब हम बनाएंगे तब वास्तव में इस देश का विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब जाकर हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनेगा। और ऐसे में ही अध्यक्ष जी, यह ऐतिहासिक बजट माननीय मनीष सिसोदिया जी, वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया गया है, मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ, तारीफ करती हूँ, और इस बात को कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो सरकारें हैं जो 75 सालों से देश के गरीब लोगों को चंद मुट्ठी भर राशन, चंद जो है चीज़ों में उलझा कर और गुमराह कर रखती हैं, अब देश समझ चुका है। दिल्ली के अंदर ये जो मशाल जली थी, अब ये मशाल पहुंच गई है एक संघर्ष और जो है आंदोलन का रूप लेते हुए राज्य जो है पंजाब हमारा, जहां पर एक ऐतिहासिक क्रांति हुई। आप देखिए, इस देश के अंदर 10 मार्च को 5 अलग अलग राज्यों के रिजल्ट आते हैं। एक राज्य में पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है और 4 राज्यों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन अध्यक्ष जी, पूरे 15 दिन लगते हैं
सरकार का स्वरूप देने में, मुख्यमंत्री चुनने में, मंत्री चुनने में, और वहीं केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में 10 तारीख को रिजल्ट आता है और 15 तारीख 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है और अगले ही दिन से काम होता है। जब तक इधर इनके प्रधानमंत्री जी मंत्री और मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं, इतने में तो एक हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड में पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल जी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पेंशन का घोटाला निकाल कर लाती है, रोड कर्मचारियों को पक्का करने का काम करती है, 35,000 नई नौकरियां देने का काम करती है। इस देश के अंदर सरकारें चुनकर आई, एक सरकार ने युवाओं का, जैसे ये बजट है युवाओं रोजगार का, रोजगार बजट को यहाँ पर पेश करती है और वहीं अपने दूसरे राज्य में सरकार बनते ही 35,000 नई नौकरियां लागू करने का काम करती है और वहीं दूसरा एक राज्य है यूपी जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं बाबा कि लोगों को 5 किलो राशन और 4 किलो गेहूं मिलेगा। तो मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने शिक्षा के ऊपर बोला, स्वास्थ्य के ऊपर बोला, बिजली के ऊपर बोला, पानी के ऊपर बोला। अध्यक्ष जी एक से एक मिनट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। ये बजट एक आम साधारण नागरिक के तरीके से, एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, एक दलित समाज की बेटी और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ऐतिहासिक बजट दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के अंदर बहुत ही मेहनत और बहुत ही सपने के साथ और पूरे मैकेनिज्म के साथ कि किस किस डिपार्टमेंट से कितनी कितनी नौकरियां हम लोग निकालेंगे आने वाले 5 साल के अंदर, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि भले ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का पूरा समय 5 साल का रखा है और 20 लाख नौकरियां देने की बात करी है, लेकिन जिस प्रकार से सर पिछले 7 सालों से आपका रिपोर्ट कार्ड रहा है, आपका फीडबैक रहा है कि आपने तय समय से पहले ही हर एक वादे को पूरा करने का काम किया है, डिलीवरी देने का काम किया है जनता में, तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जो 5 साल का आपने समय लिया, 5 साल से पहले ही अपने इस बजट भाषण में किए गए एक एक वादे को पूरा भी करेंगे और दिल्ली के हर एक युवा को, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक स्थिर रोजगार देकर दिल्ली की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे और दिल्ली के युवाओं में एक नया जोश और एक नया विश्वास भरने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको इस ऐतिहासिक रोजगार बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और विपक्ष के साथियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने सरकारों को कहो कि अरविंद केजरीवाल ऑफ मॉडल से उप मुख्यमंत्री जी से कुछ सीखने का काम करें, सिर्फ डिग्री धारियों को पकोड़ा तलने की नसीहत ना दे, नाले से गैस बनाने की नसीहत ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद जय भारत। श्रीमान विदुरी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार का बजट निराशाजनक है। जनता ने सरकार को बड़ी उम्मीदों से चुना, लेकिन ये कहना पड़ेगा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की विफलता की निशानी आज मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। सरकार का राजकोषीय घाटा 2019-2020 में 3,227.79 करोड़ था, 2020-2021 में बढ़कर 9,972.96 करोड़ हो गया और 2021-2022 में यह घाटा बढ़कर 18,776.67 करोड़ हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के जीडीपी की बात करते हुए
मुख्यमंत्री जी ने कहा 50% जीडीपी पिछले 5 सालों में बढ़ गया है और भारत में आज तक कभी भी किसी राज्य में नहीं बढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में 2007 से लेकर 2013-14 तक जीडीपी में 147.6% बढ़ोतरी हुई और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में वे घटकर 2014-15 से 2021-22 में 67.7% रह गई। यह है असली चेहरा दिल्ली की सरकार का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत हैरानी की बात है, इंदिरा गांधी अस्पताल के लिए जो बजट रखा गया 100% बजट खर्च नहीं हुआ। बुरारी अस्पताल के लिए जो बजट रखा गया 88.79% खर्च नहीं हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिनके लिए पूज्य बाबा साहब जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनके लिए जो बजट रखा उनके वेलफेयर के लिए 81.65% खर्च नहीं हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 54.88% खर्च नहीं हुआ। यह 2020-2021 का मैं आंकड़ा पेश कर रहा हूं। 2021-2022 में इंदिरा गांधी अस्पताल के लिए जो बजट रखा 84.33% खर्च ही नहीं हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो बजट रखा 67.72% खर्च नहीं हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में जो भी बजट रखा 6.29% खर्च नहीं हुआ। अंबेडकर नगर अस्पताल के लिए जो भी बजट रखा 56.77 खर्च नहीं हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इस हाउस में बहुत कुछ कहा गया है, उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया गया है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहता हूं कि हमें इस बात का गौरव भी है और हमें गर्व भी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने आदरणीय या पूज्य बाबा साहब की याद में जो पंच तीर्थ विकसित किए हैं, मैं जरूर उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। बाबा साहब के जन्मस्थान मध्य प्रदेश महू में यादगार स्मारक का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र में इंदू मिल चैतन्य भूमि पर बेहतरीन स्मारक बनाया गया। महाराष्ट्र के ही नागपुर स्थित दीक्षा स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया। दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल पर भी उनका स्मारक बनाया और छात्र के रूप में लंदन में जिस इमारत में उन्होंने में रहे और शिक्षा ग्रहण की वहां भी शानदार स्मारक बनाया। और इसी प्रकार दिल्ली के 15 जनपद को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। अध्यक्ष जी, 1990 में जब भाजपा की मदद से नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही थी,
देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश पर पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई। सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाई गई। उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की गई। ये कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, या ये सम्मान प्रकट किया है पूज्य बाबा साहब के चरणों में, जिसकी मैं आज यहां चर्चा करना चाहता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट को रोजगार बजट कहा गया है। कोविड के बाद लोगों का रोजगार चौपट हो गया। उन्हें मदद देकर खड़े करने की बजाय सरकार उन्हीं से उम्मीद कर रही है कि दूसरों को रोजगार दो। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 12 लाख नौकरियां दी हैं। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमने 1,78,000 नौकरी दी हैं। और जो जानकारी हमें सरकार से मिली है, दिल्ली की सरकार कह रही है कि 2015 से लेकर और 2020 तक, 2015 में 176 नौकरी दी, 2016 में 102 नौकरी दी, 2017 में 66 नौकरी दी, 2018 में 68 नौकरी दी, 2019 में 0 और 2020 में 28 लोगों को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। इसका जवाब बजट के ऊपर देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, थपथपानी भी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हुए हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर, कि आज